हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मैं खा रही हूँ अमरूद। और ये देखिए, बारिश अभी तक आ रही है। बहुत ही बढ़िया मौसम हो रखा है, बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। मतलब इतनी तेज़ बारिश आ रही है, अभी तक रुकी नहीं है। कम से कम 2-3 2-2.5 घंटे हो गए हैं बारिश आते हुए। और इदाया सोई हुई है। अभी मैं क्या सोच रही हूँ, मैं कुछ बनाने वाली हूँ चाय के साथ, मस्त सा। 4 बज चुके हैं और ऐसे मौसम में मज़ा आ जाता है कुछ अच्छा बना के खाने का। और अभी हम बनाने वाले हैं, क्या बनाएं, क्या खाना है देखते हैं। मेरे को मन कर रहा है प्याज के पकोड़े खाने का, वैसे वो बन रखे हैं, कुछ बनाना है तो उनको ख़राब हो जाएंगे। मसाला पाव नहीं बन सकते थे वो बनाने वाला आपको? आलू प्याज नहीं, जैसे टमाटर और प्याज को वो बना के मसाला और उनके अंदर बन के अंदर डाल के फिर खा सकते हैं, तो मसाला बन बन जाएगा। तो हम बन लेके आए थे, वो ख़राब हो जाएंगे वरना। तो बर्गर बनाने वाले बन होते हैं ना, वो लेके आए थे, तो सोच रहे हैं उनको यूज़ कर लेते हैं, उनका ही कुछ बना लेते हैं। देखते हैं प्याज के पकौड़े बनाएंगे या वो बन बनाएंगे। ये फ्रेंड्स, यहाँ कितनी तेज़ बारिश आ गई एकदम से। कल भी आई थी, कल थोड़ी आई थी, लेकिन आज बहुत तेज आई हुई है बारिश। और ये देखिए दाया को, ये तो बारिश, ये जब से चिल्ला रही है बारिश बारिश बारिश, ये देखिए बारिश, बेटा गीला हो जाएगा यहाँ पर जब तक। ये देखिए यहाँ तक आ रही है बारिश की छींटे, ये देखिए कितनी तेज है। मजा आ गया जिदाया इदू। ये देखिए, मैंने प्याज और टमाटर और हरी मिर्च काट के उसको मिक्सअप पूरे, ये मतलब इसके अंदर मसाला वगैरह डाल के सब तड़का लगा के ये सब अब रेडी हो जाएगा। और इतने में कर लेती हूँ, थोड़े से बर्तन कर लिए हैं, इतने में कर लेती हूँ ये बर्तन साफ, तब तक ये बनता है और देन फिर मैं चाय बनाऊँगी। और ये देखिए, इदाया उठ चुकी है और इदाया रो रही थी। और इदाया ने आज पहनी ये वाली ड्रेस, स्टाइलिश स्टाइलू बना हुआ है आज ये, है ना। हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो कर दो, अब नहीं करेगा। और बारिश अभी हल्की हल्की आई हुई है, थोड़ी रुक चुकी है बारिश, पहले तो बहुत ज़्यादा तेज थी, है ना इदू। ये देखिए बन चुके हैं हमारे। अगर कहीं फंस गया तो वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। ये है इसके अंदर पेस्ट प्याज और टमाटर वाला, और उसके अंदर हमने बना दिया ये बर्गर टाइप। ये थोड़े से ये बाद में हितेश ने बनाए ऐसे करके पेस्ट, ऊपर से जला दिए देखो। अरे तवा मैं वो था और मैं कॉल पे भी था। हाँ, तो पेस्ट मैंने बनाया और ये सब काट के हितेश ने बनाया, क्योंकि मुझे आता नहीं करना। आपको जले हुए अच्छे लगते हैं? और हम पी रहे साथ में चाय, इतेश अभी कॉल पे इसलिए मैं स्लो बोल रही हूँ। और फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी बने, आप भी ऐसे घर पे ट्राई कर सकते हो, बहुत ही यम्मी लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं ना? बढ़िया लग रहे हैं, बढ़िया, एकदम मसालेदार मस्त, वो प्याज टमाटर का स्वाद आ रहा है, बहुत यम्मी लग रहे हैं। तो चलो अब हम खा लेते हैं। और अभी इदाया बाहर गई हुई थी, वो आ रही है, उसके एक्सप्रेशन देखना कैसे होंगे। आ रही है, ढूंढती आ रही है। पहले उस रूम में देखा, उस रूम में कहाँ गया था बंदर, ये मस्त अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ खेल रही है। आ जाओ, ए स्टिकर लगा के आया, दिखाओ स्टिकर, दिखाओ ऐसे नीचे दिखा दो, देखो उसका स्टिकर किसने लगाया, दिखाई नहीं अब तक तो, किसने लगाया स्टिकर? कोई नहीं कोई नहीं, अरे बहुत बार करा है मैंने, चिल मारो। किसने लगाया स्टिकर? चिल मारो मैंने भी बहुत बार किया है। अन्ना ने और क्या, मेरे को आईवान या मोइसे क्या पता नहीं, अन्ना अन्ना उसने बताया था, अन्ना ने लगाया, उसने लिंक भी दिया था ऐसी गूगल से। खा पी के अब ये भी, इसने 2 रस खाए दूध के साथ, और अब ये यहाँ पे खेलने के लिए आ गई है। खेल लो, चलो, इतने सारे फ्रेंड्स आए हुए इसके, दोर इसको बुलाने आए थे अभी, है ना इदाया?
चलो। और ये देखो हिदाया, ईद को मिल गया बॉल, थ्रो कर दो, थ्रो थ्रो पकड़ो ईदू पकड़ो। थ्रो थ्रो कर दो, ले आओ बॉल ले आओ। इधू आप भी अपनी बॉल लेके आओ, जाओ जाओ, आपके पास भी बॉल है ना, अपने अंदर से लेके आओ जाओ। मिल गया ईदू को बॉल, कैसे भाग के आई है। विदायक को कैसे बैठी है मेरे साथ इधर इधर, बॉल लेके आराम से बैठी है और हम इधर बैठे हैं। ईदू और ये देखिए इतने सारे कपड़े पड़े हैं, और अभी तो दूसरे अभी आज धोए हुए हैं, इतने सारे कपड़े पड़े हैं। ये कुछ मुझे तय करने हैं और कुछ मुझे प्रेस करने हैं, पूरा फोल्डिंग भरा हुआ है। ये देखिए कपड़ों का ढेर, ये इधर कपड़े रखे हुए यहाँ पे, और कितना मैशअप सा हो रखा है। तो मैं सोच रही हूँ सबसे पहले मैं इदाया के जितने सारे कपड़े हैं वो लगा देती हूँ, अच्छे सेट कर देती हूँ। ये इदाया की अलमीरा होगी ये सेट, इतने कपड़े हो रखे इसके, छोटे 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 कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, और रोज़ मतलब ये चेंज करते, कम से दिन में 2 से 3 बार तो ये चेंज, 2 तो कम है, 3-4 बार चेंज करती है ये। और ये देखिए इसके ये कपड़े हैं यहाँ पे, इसमें मैंने इसके जो चड्डू वगैरह हैं वो रखे हुए ताकि मिक्सअप ना हो, और इसमें इसके जो नए कपड़े हैं बाहर आने जाने वाले वो हैं इसकी टोकरी में, बाकी कपड़े जो इसके डेली यूज के हैं वो यहाँ पे रखे हुए हैं। इसके अलमीरा हो चुके सेट, अब मैं करने जा रही हूँ प्रेस। इसकी ज़्यादा टेंशन थी, थोड़े से भी निकालती हूँ ना फिर मिक्सअप सा हो जाता है, फिर दोबारा फिर सेट करनी पड़ती है। अभी कुछ मैंने तय कर दिए हैं, बाकी देख लेती हूँ इसमें तय करने वाले कौन कौन से हैं, और फिर कर लेती हूँ मैं इनके प्रेस फटाफट से बिना देर किए हुए। फाइनली पहले आपने देखा वो कितना भरा हुआ था, अब पूरा मैंने साफ सफाई करके, मतलब साफ सफाई क्या, सारे कपड़े तय कर दिए, जो प्रेस करने थे वो प्रेस कर दिए, और अब मेरा पूरा साफ हो चुका है एरिया, और अब मैं चलती हूँ खाना बनाने के लिए। अब मेरा ये काम हो चुका है, बहुत बड़ा काम था, और हो गया फिनिश, और कपड़े भी हैं जो मैंने सुखाए हुए, जो आज धोए थे वो देखते हैं, वो कल प्रेस करूँगी। और मैं लिपस्टिक देखो कैसे साइड पे रहेगी बाउंड्री पे, जब भी कुछ खाना खाते तो उतर जाती है, और बस अभी ये था हमारा। अब मैं खाना बनाऊंगी, खाने में क्या छोले रखे हैं, सिर्फ मुझे क्या बनाना है, राइस बनानी है, बाकी रखा है। मैंने बनाई है थोड़ी सी सेवैयाँ, और मेरी सेवैयाँ बन चुकी हैं, थोड़ा दूध एक्स्ट्रा था तो मैंने सोचा सेवैयाँ बना लेती हूँ। ये देखिए ये हो चुकी है रेडी, अभी देखेंगे। मैंने बना लिए हैं राइस, मेरे बन गए हैं और बर्तन भी साफ़ हो गए हैं, तो राइस बन गए और साथ में है छोले, और सेवैयाँ बाद में अगर खाने का मन किया तो खा लेंगे, नहीं तो फिर सुबह खाएंगे, ठंडी भी अच्छी लगती है, सुबह फ्रिज में रख देंगे और सुबह मस्त खाएंगे। और मेरी हो चुकी है रेडी, तो बस अब मेरा काम हो चुका है फिनिश, और अब हम करेंगे डिनर करेंगे। अभी बज चुके हैं 10, ज़्यादा टाइम हो गया बल्कि, क्योंकि मैं प्रेस वगैरह कर रही थी इसमें ज़्यादा टाइम लग गया, अदरवाइज इतना टाइम लगता नहीं है। थोड़ा हम सोचते हैं कि जल्दी खा लें ताकि जल्दी बेड पे लेट जाएं। और ये इदाया को देखिए ये क्या कर रही है, इसने ना मसाला गिरा दिया नीचे और उसको हाथ से चाट रही है, ये लड़की कुछ नहीं छोड़ती, लड़की सारी चीज़ें गिरा देती है।
तो बस, और हितेश देख रहे हैं, मैं हितेश को दिखा देती हूँ। हितेश देख रहे हैं अपनी पबजी, इनकी चल रही है पबजी, इनका इनकी अलग ही चिड़ी पकती रहती है टीवी में, और इसकी अलग ही चिड़ी पकती रहती है। तो बस आज के लिए इतना ही, मेरा यही था कह सकते हो एक तरह से इवनिंग रूटीन, मैं क्या क्या शाम को करती हूँ। और इसको देखिए, और साथ साथ में इसको भी संभालती हूँ, ये पता नहीं क्या हो रहा है, ये बहुत पॉटी करती है, कभी इसकी फिर से इसको पॉटी वॉश करो, कभी कुछ करो, इसका इसका चलता रहता है बीच बीच में, इतना परेशान करती है। इधर आओ। तो बस आप बताए ना आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगे आज का व्लॉग तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर 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 करना। सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल एक प्यारे से न्यू व्लॉग के साथ कल। सो बाय बाय फ्रेंड्स।